दोस्तों अब तालिबान को देखते रह गए और मोदी जी ने पीओके पर बवाल मचा दिया। अफगानिस्तान में इधर तालिबान का राज आया और इधर पीओके में मोदी जी ने बड़ी चाल चल दी है। पीएम मोदी के इस खुफिया चाल को देखकर इमरान खान चकरा गया है। आजकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर भगदड़ मचा हुआ है, इसी का फायदा भारत ने उठा लिया है और वीडियो में जानेंगे कि कैसे मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक के सामने पाकिस्तानी सेना चेकमेट हो गई है। भले ही तालिबान राज आने के बाद इमरान खान बेहद खुश नजर आ रहे हो, लेकिन मोदी जी के शतरंज के सामने इमरान खान एक छोटा बच्चा नजर आता है। पीओके में मोदी जी ने सबसे लंबा छक्का लगा दिया है, जिसका अंदाजा ना तो इमरान खान को था ना ही उसकी सेना को, और यह टाइमिंग बेहद परफेक्ट क्यों मानी जा रही है इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर को मानने से इनकार कर दिया है। हजारों की संख्या में तालिबानी आतंकी अवैध तरीके से शरणार्थी बन के पाकिस्तान में घुस चुके हैं। पाकिस्तान चाहकर भी आतंकवादियों की आवागमन को रोक नहीं सकता है। माहौल को बिगड़ते हुए देख पाकिस्तान ने अपने हजारों सैनिकों को भारतीय बॉर्डर से हटाकर अफगानी बॉर्डर पर तैनात किया है, ताकि तालिबान की तरफ से किए जाने वाले बड़े हमलों का जवाब दिया जा सके, और यही सुनहरा अवसर भारत ने देख लिया है। इस वक्त हजारों की संख्या में भारतीय सेना पीओके की तरफ आगे बढ़ रही है। दोस्तों अगर भारत को तालिबान से सुरक्षित रहना है तो पीओके हमें वापस लेना ही होगा, और इसके लिए अब बेहतर समय आ चुका है। पाकिस्तान के कई खूंखार आतंकवादी अफगानी जेल से बाहर निकल चुके हैं और मौका मिलते ही वे लोग पाकिस्तान में काबुल एयरपोर्ट जैसा धमाका कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के धमाकों को रोकने के लिए पाकिस्तान अपने देश के अंदर सुरक्षा को टाइट कर दिया है, लेकिन भारतीय बॉर्डर पर पाकिस्तान की सुरक्षा बिल्कुल जीरो हो गई है। और इस तरह से इमरान खान ने भारत को पीओके वापस लेने का बड़ा ऑफर दे दिया है। अब आप पूछेंगे कि इस पर मोदी जी ने क्या फैसला किया है। दोस्तों आप सब ने मोदी जी का वह बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने तालिबान को कहा था कि आतंक से हासिल किए गए पावर ज्यादा दिन नहीं चलती है, और अब मोदी जी ने तालिबान समेत पूरे पाकिस्तान पर नकेल कसते हुए भारी मात्रा में सैनिक और हथियार पीओके के करीब पहुंचा दिए हैं। इस वक्त भारतीय सेना को युद्ध अभ्यास करने का आदेश दिया गया है। इन सभी संकेतों को देखते हुए पीओके में हलचल तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 31 अगस्त के तुरंत बाद भारत एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है। इसके बाद पीओके भारत में शामिल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर हमने 31 अगस्त के बाद ज्यादा देरी की तो पीओके वापस लेने में तालिबान मुसीबत बन सकता है, जिसके पास इस वक्त अमेरिका के $85 मिलियन के बेहद आत्मघाती हथियार मौजूद है। इस वक्त इमरान खान अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने के नशे में माल फूंक रहा है, वे बेहोश पड़ा है। उधर जनरल बाजवा पाकिस्तान से निपटने के लिए माथा पटक रहा है, इसी कारण भारतीय सेना ने कमर कस ली है। विपिन रावत जी इस वक्त तीनों सेनाओं के प्रमुख है और उन्होंने भी संकेत दे दिया है कि अब तालिबान के हमले का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि सही समय देखते हुए पीओके पर वार कर देंगे। दोस्तों इस वक्त भारतीय सेना को आपका समर्थन चाहिए, ताकि वे लोग इस सुनहरे अवसर में पीओके में बड़ी जीत हासिल कर सके। दोस्तों तालिबान ने भारत को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है, जिसको सुनकर आपका माथा भी ठनक जाएगा। जी हां दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लफड़ा चल रहा है और कश्मीर घाटी को लेकर अपने शब्दों की पिटारे को खोला है। दोस्तों तालिबान का यह बयान बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों तालिबान के इस बयान के बाद उसकी दोहरी मानसिकता का पता साफ साफ चलता है। आज ये तालिबान भारत को पाकिस्तान को लेकर किस प्रकार की रणनीति रखनी चाहिए, कश्मीर पर भारत का क्या दृष्टिकोण रहना चाहिए, यह सिखाने की कोशिश कर रहा है। यह भूल रहा है कि भारत के अंदर एक ऐसे शेर का राज है जिसने लोगों का दिल जीत कर लोगों का वोट लेकर देश के अंदर सरकार बनाई है। इस देश के अंदर लोगों का भला कैसे किया जाए, वह इस शेर से बेहतर ये तालिबान हमें सिखा रहा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपका एक विचार जानना चाहता हूँ। वैसे सिंपल है, आप किसके प्रति अपनी मानसिकता रखते हैं? क्या तालिबान आने वाले वक्त में भारत के लिए चुनौती बनेगा या फिर नहीं, अपना विचार जरूर बताएगा। दरअसल दोस्तों तालिबान एक क्रूर आतंकी संगठन जिसने बंदूक के दम पर अफगानिस्तान की सत्ता को हासिल किया, जिसके पास लोगों का दिल जीत कर सत्ता को हासिल करने की क्षमता नहीं। आज वही तालिबान भारत को कश्मीर के लिए बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। दोस्तों सीधा सा सवाल है, 5 लोगों के बीच में आपकी इज्जत नहीं है। आप किसी निर्दोष को पकड़कर उन 5 लोगों के सामने कहते हैं कि मैं इसके साथ यह कर लूंगा वह कर लूंगा, और उनके अंदर डर पैदा करते हैं, तो आप काहे की महान। भले ही आपने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया, लेकिन उन लोगों के दिल में आप इज्जत को पैदा नहीं कर सकते। आज तालिबान का हाल कुछ ऐसा ही है।
भले ही तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता को हासिल कर लिया है, लेकिन अफगानिस्तान के लोग 1% भी तालिबान को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए तो दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ एंटी तालिबानी ग्रुप बड़ी संख्या में तालिबान को चुनौती देने के लिए खड़े हो रहे हैं। इसमें नॉर्दर्न अलायंस पंजशीर के सेठ जैसे कई संगठन जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के दांत खट्टे करने वाले हैं। दोस्तों जिस तालिबान के अपने देश के लोगों के बीच में कोई इज्जत नहीं है, वही तालिबान एक सम्राट देश के खिलाफ जो देश विश्व में शांति अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, उसको ये तालिबान औकात दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों एक मेंढक से कह दिया जाए कि हाथी को सबक सिखाना है तो वह कुचला जाएगा, ये निश्चित है। आज तालिबान वही हरकत कर रहा है, पर पता नहीं हमारे मोदी जी कब तालिबान को कुचलने का मिशन का शुरुआत करेंगे, कब इंडियन आर्मी तालिबान पर कूच करेगी, इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय मोदी जी ने यह साफ साफ कह दिया था कि बंदूक के दम पर लोगों के अंदर डर पैदा कर सत्ता पर काबिज होने वाले संगठन कभी स्थायी रूप से सरकार को नहीं चला सकते, उनके दिन बहुत ही कम होते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का रवैया तालिबान के खिलाफ कैसा है। दोस्तों भले ही भारत के पैसे अफगानिस्तान के अंदर डूब जाए, लेकिन भारत कतई ऐसे आतंकी संगठन को देश चलाने की मान्यता नहीं दे सकता जो केवल लोगों के खून का प्यासा है। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने कश्मीर को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है, साथ ही तालिबान ने भारत और पाकिस्तान के मौजूदा रिश्तों पर भी बात की है। तालिबान के कब्जे के बाद अंदेशा जताया गया है कि तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान से लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे विभिन्न आतंकवादी समूहों की गतिविधियां बढ़ सकती है। और दोस्तों ये कोई शक की बात नहीं है, अभी तो तालिबान ने कब्जा किया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप इस क्रूर संगठन के कारनामे भी देखते जाएंगे, किस प्रकार से जहर उगलेगा उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएंगे। और जो लोग सोशल मीडिया पर तालिबान के समर्थन में अपनी बातें लिख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, एक बार सिर्फ 10-15 दिनों के लिए अफगानिस्तान घूम करके आ जाओ, फिर पता चल जाएगा कि आपका प्रेम किस दिशा में जाने वाला है। दोस्तों तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिदीन ने पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और अन्य मुद्दों पर बोलते हुए कहा, दोनों देशों को एक साथ बैठना चाहिए और मामलों का हल करना चाहिए, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, उनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं जबीहुल्ला मुजाहिद ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत को घाटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब दोस्तों तालिबान का ये बयान देखिए, जिसमें ये प्रवक्ता भारत और पाकिस्तान के लिए ये बयान दे रहा है, लेकिन जो 4 दिन पहले तालिबान के मुखिया ने एक बयान दिया था जिसमें उसने तालिबान